इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स कैसे निकालें अभी हम समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पूरी जानकारी यानी वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों हम इंटीग्रेशन को अपना इस सिंबल के द्वारा लिखते हैं। किसका किया जा रहा है? टेन स्क्वायर एक्स का किया जा रहा है। इसके साथ में आ जाएगा आपका डी एक्स, बस ये लिख दिया। अब देखो मैं फॉर्मूला जानता हूँ, मैं क्या फॉर्मूला जानता हूँ कि आपका टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे यह फॉर्मूला मैं कहाँ से लाया दोस्तों? त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जब आप त्रिकोणमितीय फलन के समाकलन कर रहे हैं यानी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यह तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है। यानी यहाँ पे मैं टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? यह लिख सकता हूँ। तो आई बराबर मेरा क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन। अब देखो हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं आपका क्या होता है दोस्तों? टेन एक्स होता है। ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला भी आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो याद होने चाहिए, ठीक है। और वन का इंटीग्रेशन दोस्तों आपका क्या रहता है? एक्स रहता है, साथ में कांस्टेंट सी आ जाता है क्योंकि ये आपका अनिश्चित यानी इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हो गया टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें।